गांव की अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो सड़क, नाली और बिजली की बात सबसे पहले होती है। मैं बक्सी तालाब के एक गाँव में हूँ और इस गाँव में सड़क तो खैर बनी हुई है, मगर सड़क के किनारे गाँव के जो लोग रहते हैं उनकी नाली कहाँ, पानी कहाँ निकले, इसकी कोई भी व्यवस्था गांव में नहीं है, नाली नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो किस तरह से सड़कों पे ही फैलता है और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं, ये गांव के लोग ही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको क्या दिक्कतें होती है। बताइए, आपका घर यहीं पे है? हाँ, हमारा। गाँव का नाम क्या है? मल्लाहन खेड़ा। मल्लाहन खेड़ा। यहाँ मैंने देखा नाली वाली तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चाला देखो कैसा भरा है, सब चाला भरा है। अच्छा। और हम पंच उलची उलची पानी तब जाके नहाते धोते हैं, वो नाली वो कुछ नहीं है। पानी कैसे निकलता है? पानी जब घर में निकलता नहीं है तो बाहर डरते हैं उलची उलची। जैसे आप लोग खुद ही अपने हाथ से? हाँ हाँ, अपने हाथे भरे उलझी डरते हैं। इससे तो बीमारियां भी फैलती होंगी। तब बीमारियां फैले, चाहे कुछ भी हो, जब कोई व्यवस्था तो करे जाबे करे। बरसात और साथ में और दिक्कतें होती होंगी? बरसात में तो खैर चलो बही जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना जन नहवैया तुम दो उल्टी आके उल्टी में यहाँ खर्चा करो बच्चे, जब पानी नहीं निकले तो का किन जाए। पानी नहीं निकलता तो आप लोग अपने हाथ से उसको निकाल? और का, अपने हाथ है तो निखारे जाते। अच्छा, ये आपका घर? हाँ, है। चलो, हमने देखा कि जो नाली की जो है वो समस्याएं हैं, और कुछ समस्याएं हैं? बस नाली की और ये पानी जो है यहाँ का सब हमारे अंदर जाता है। सर एक मिनट देख लीजिए आके। ये भी कुछ अपनी समस्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नाली का जो पानी है वो कहीं निकल नहीं पाता, तो जब लोग उसको निकालते हैं तो शायद इनके घर में ही चला जाता है। क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, आइए चलते हैं और ये समस्या को भी हम देखते हैं, क्योंकि गांव के लोग जब चल के बता रहे हैं कि नहीं, आइए आप ग्राउंड जीरो के जरिए अगर आप कर ही रहे हैं बातों को, सच्चाई को निकाल ही रहे हैं, तो आप कम से कम आइए, आप सच्चाई देखिए, ज़मीनी हकीकत देखिए कि क्या चीज़ें हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में, कोई कट टू कट नहीं है, जो है एक्चुअल रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से लोगों के साथ दिक्कतें हैं, और लोग चल करके खुद दिखा रहे हैं, खुद अपनी समस्याएं जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं। ज़मीन है सर, पानी यहाँ गिरता है तो सारा पानी आकर के हमारे मकान में देख लीजिए अंदर आता है, मौके पर देख लीजिए, और यहाँ सुनवाई कोई सर नहीं हो रही है। पानी भर जाता है, हमारी रास्ता बंद हो जाती है। अच्छा, ये पानी कौन सा, ये नाली का पानी भर जाता है? हाँ, यही सब बारिश का पानी है, नाली बनी नहीं है तो पानी सब यही आकर के भर जाता है। और अंदर आपको दिखाएं, ये देखिए, ये जो नीचे दिख रहा होगा, हालांकि अभी पानी नहीं भरा हुआ है, मगर ऐसे दिख रहा होगा, ये जो हमने सड़क से दिखाया वो यहाँ से पानी जो है इस रास्ते से निकलता है, निकलता है इसी रास्ते से पानी निकलता है सर, ये जो टटिया लगी हैं इसी रास्ते से। और एक मिनट सर अंदर देख लीजिए, पानी मकान में सीलन है, पूरा पानी आ जाता रहता है, इसलिए यहाँ तक भर जाती है। सर बिल्कुल देख लीजिए, आपके सामने सीलन है, ये सब पानी आता है। ये कहीं ना कहीं देखिए घर भी इससे कमजोर हो रहा है, ये पानी आप दिखा रहे हैं कि घर के अंदर ही पूरा नीचे जमा हुआ है? ये सर देख लीजिए, ये पानी उसी तरीके का है, यहाँ तक आता है बुनियाद के नीचे से। कहीं ना कहीं जो लोग अपनी पूंजी से घर बनाते हैं, अब घर भी कमजोर हो रहा है इससे। यहाँ पानी पूरा भर जाते हैं, ये जगह से नहीं, पूरा पानी भर जाते हैं यहाँ से नहीं। अब तीन दिन से पानी नहीं बरसा है तो आपके यहाँ सीलन पानी खुद दिखाई देते हुए यहाँ से नहीं, सब देखो पूरा पानी यहाँ। तो आप देख सकते हैं, ये गांव के लोग दिखा रहे हैं, सब पूरा पानी नीचे नीचे आ जाते हैं, वहाँ अंदर भर, हाँ यहाँ पूरा पानी सब आ जाते हैं। इतना यू बचत है यहाँ से नहीं, यू इतना इतना ये जगह ये बचत है, अभी सफाई कर रहे हैं। इधर से ऐसे निकल पूरा पानी, हाँ पूरा पानी भर जाते हैं। तो ये बता रहे थे कि जो हमने अभी शुरुआत में दिखाया सड़क पर जो नाली था, वो नाली तो था नहीं, वो जो थोड़ा बहुत जो पानी था वो पानी लोग उधर से, जाहिर सी बात है क्योंकि ऊपर से लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, और वो पानी से दिक्कत ये होती है कि जो नाली का पानी है, बरसात का पानी है, नाली ना होने के कारण वो सारा पानी इनके घर में आ जाता है, इनके घर में पानी भर जाता है। हाँ पूरा पानी यहाँ से भर जाता है, हम लोगों को दिक्कत होती निकलने बैठने में, बहुत परेशानी होती है उधर। ये हम मल्लाहन खेड़ा में थे, और मल्लाहन खेड़ा
कि जमीनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने आपको चीज़ें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर नाली नहीं है, और नाली ना होने के कारण यहाँ पर जो नाली के जो पानी है, जो लोगों के घर में जो पानी भरता है, वो पानी लोग अलग साइड डालते हैं और वो पानी इनके घर में, जो हमारे पीछे आप घर देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि वो पानी धीरे से इनके घर में आ जाता है और इनके साथ भी दिक्कतें होती। तो कहीं ना कहीं अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो जब तमाम सारे जो गांव के लोग हैं उनको, उनके साथ दिक्कतें बनी रहेंगी और उनके साथ समस्याएं ये सब बनी रहेंगी। ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अगर नाली के लिए हुआ है तो ये ग्राउंड जीरो के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।